आज हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन और एजम्पशन जितने टर्म हमारे कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको डील करने वाला है। तो शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बात ये आती है कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल आया ही क्यों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए क्या है, अगर अकाउंटिंग की बात किया जाए तो हर एक बिजनेस फॉर्म अपना अलग अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है। हम चाहते हैं कि सबकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक कॉमन गाइडलाइन से इफेक्टेड हो, यानी कि इन सब में यूनिफॉर्मिटी हो और कंसिस्टेंसी हो। और इसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन, गाइडलाइंस या प्रिंसिपल कहिए, उसको इम्पोज करते हैं कि सब लोग इस रूल्स को देख के ही अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, तब जाके इनमें हम यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, यानी कि हर जगह ये एक्सेप्टेबल होगा। और जो हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन है ये रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइन को एक्सेप्ट करता है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमारा पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मेनली कहता है कि बिजनेस एंटिटी अलग होता है और इसको ऑपरेट करने वाला, मैनेज करने वाला, गवर्न करने वाला, यानी कि इसका ओनर, ये अलग होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी हमको एक दूसरे को जोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम सेपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ एक शब्द हम जोड़ देंगे, सेपरेट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस एंटिटी सेपरेट होता है और ओनर्स इसके अलग होते हैं। अब कहो कि ओनर्स ही तो पैसा इन्वेस्ट करता है इसमें, ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जब ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उस कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी एज्यूम कर लेता है कि हमें ओनर्स को ये पे करना है, कब, फ्यूचर में। बात समझ में आई? तो ये कंसेप्ट इंटरनल लाइबिलिटी का और इस प्रिंसिपल से ही डिराइव होता है, जो कि कहता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मीन्स बिजनेस इज अ सेपरेट थिंग एंड ओनर इज अ सेपरेट थिंग एंड यू आर द अकाउंटेंट। अगर कोई आप अकाउंटेंट अपॉइंट किए हुए हो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स की अकाउंटिंग के लिए, तो अकाउंटेंट बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, न कि ओनर्स के, मतलब बिजनेस के लिए वर्क करता है। जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस का ओनर के साथ होगा वो रिकॉर्ड करेगा। गॉट इट? अभी ये बात आती है सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए जो अकाउंटिंग का जो बेसिक डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन में सबसे पहला बात आता है आइडेंटिफाइंग। आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफाइंग, आपको आइडेंटिफाइंग करना होता है कि विच वन इज मोनिटरी ट्रांजेक्शन एंड विच वन इज नॉट मोनिटरी ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई कर लिए कौन सा मोनिटरी टर्म है और कौन सा नहीं है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो, तब यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसी बेसिस पे हमारा अकाउंटिंग का डिफिनेशन बना, जो कहता है कि आप उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे जो मनी के टर्म में मेजर हो सकती हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हो मनी के टर्म में। जैसे हमारे लिए कोई एक एम्प्लॉई है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा महत्व रखता है और संजोग से वो छोड़ के चला गया, बिजनेस छोड़ के चला गया, उससे हमें बहुत नुकसान झेलना है फ्यूचर में, बट इसकी रिकॉर्डिंग हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में नहीं कर सकते क्योंकि इस शब्द का मनी के टर्म में मेजरमेंट नहीं हो सकता। यानी कि अपने बुक ऑफ अकाउंट में हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो सेकेंड प्रिंसिपल बोलता है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आई थिंक इट इज क्लियर। देन थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग का मतलब क्या होता है भैया? गोइंग का मतलब होता है बिजनेस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इन नियर फ्यूचर। हम बिजनेस इसलिए इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि आगे बंद हो जाएगा, इसलिए हम इस्टेब्लिश नहीं किए हुए हैं, ठीक है, कि बिजनेस आगे बंद हो जाएगा। हम बिजनेस इसलिए इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा, बिजनेस बंद होने के लिए नहीं खुला है। यानी कि आप एग्जांपल के रूप में रिलायंस ग्रुप को देख सकते हो, टाटा ग्रुप को देख सकते हो, जो कई जनरेशन से चलते आ रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बिजनेस इज नॉट गोइंग टू शट डाउन इन नियर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ते हैं, कहते हैं कि भैया बिजनेस लगातार चलने वाला प्रक्रिया, बिजनेस फ्यूचर में बंद होने के लिए नहीं है। कोई इंसान तो है नहीं कि इसकी डेथ होनी है, ये लगातार चलता है। तो हम इसके लिए फिक्स कैपिटल और फिक्स एसेट, और इस प्रिंसिपल के अनुसार हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट और करेंट एसेट,
इन दोनों का जिक्र करते हैं। फिक्स एसेट में क्या होता है, हमने कोई मशीनरी कर दी जो 10 साल बाद ही खराब होगा, बीच में खराब होना नहीं है उसको, तो 10 साल बाद, 10 साल के लिए जो मशीनरी हमने खरीदा था, ये सोच के खरीदा ना कि बिजनेस जल्दी 1-2 साल में तो बंद होगा नहीं, इतने साल तक रहेगा। तो वहीं से इस प्रिंसिपल से ही ये कंसेप्ट जनरेट होता है, कौन सा, करेंट एसेट और फिक्स एसेट का। तो यहाँ पे आप एक बात याद रख सकते हो, बिजनेस खुला है बंद नहीं होने के लिए, बस इतना याद रखेंगे तो ये प्रिंसिपल क्लियर होगा। और यही प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेस खुला ही है कि वो बंद नहीं होगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बोलता है, जैसे आप बिजनेसमैन हो, आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो, तो आप मैनेज कर रहे हो तो एक साल के बाद, एक निश्चित समय के बाद आपको ये जानने की इच्छा होती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, कैसे जा रहा है। वैसे ही सारे बिजनेसमैन सोचेंगे ना कि एक साल हो गए, बिजनेस कहाँ जा रहा है। इसके लिए कहा गया कि एक कोई भी ईयर वो चुन सकता है, कौन, बिजनेसमैन, अपने बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। अब अलग अलग देश अलग अलग ईयर यूज़ करते हैं, कोई 1 जनवरी को शुरुआत मानता है, हमारे यहाँ इंडिया में फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हम एज्यूम करते हैं। तो ऐसे अकाउंटेंसी सेबी या फिर कोई ऐसा गाइडलाइन जारी नहीं किया हुआ कि आप फाइनेंशियल ईयर इतना मान ही के चलोगे, आप जो चाहे वो ईयर चुन सकते हो, लेकिन एक साल के बाद आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए ताकि जितने इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देख सकें और आगे के लिए डिसाइड कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देन आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है क्या भाई। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिक्र इस बात पे करता है कि आपने बिजनेस की शुरुआत की, जिस समय आप बिजनेस की शुरुआत करते हो और जिस प्राइस पे आप एसेट परचेज करते हो, आपके बैलेंस शीट में वो उतने ही प्राइस पे शो हो रहा है, और आप लगातार बिजनेस कंटिन्यू करते जाते हो। आप सपोज कीजिए कि 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किए थे, जिस समय आप बिजनेस स्टार्ट किए थे और जितने के एसेट आपने खरीदा था, उसकी बुक वैल्यू 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। मतलब मार्केट प्राइस को ये कॉस्ट, ये कंसेप्ट जो है या ये प्रिंसिपल मार्केट प्राइस को इग्नोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बिजनेस शुरू किए थे, सपोज कीजिए आप 2001 में बिजनेस शुरू किए थे और एक मशीनरी खरीदा था आपने कितने का, 1 लाख रुपीज का, तो ये मशीनरी कहाँ से होगा, बैलेंस शीट में से होगा। तो बैलेंस शीट 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर अगर आप बैलेंस शीट की ओर फिर से जाओगे तो ये मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख ही दिखाई जाएगी। मतलब आप मार्केट प्राइस को इग्नोर कर रहे हो, 10 साल पहले यानी कि 2001 में आपने जो मशीनरी खरीदा था 10 लाख का खरीदा था, और 10 साल बाद यानी कि 2011 में ये मशीनरी की कॉस्ट 10 लाख ही रहेगी। यहाँ मार्केट प्राइस की कोई जगह नहीं होती, और यही प्रिंसिपल बोलता है। इस प्रिंसिपल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब हिस्टोरिकल लिखने से मतलब हो जाएगा ना कि ये पुरानी बातों को याद रखता है, मार्केट प्राइस को इग्नोर करता है, एसेट और लाइबिलिटी की जो भी कॉस्ट थी उस समय, जितनी भी कॉस्ट थी उसको अपने बैलेंस शीट में लिख लिया। बैलेंस शीट में लिखने के बाद वो लगातार सालों साल चलता जाएगा, जबकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ना हो जाए, बिजनेस को बेचना ना पड़े। अगर हम बेचते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हम अपने एसेट और लाइबिलिटी को फिर से वैल्यू लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिवैल्यूएशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट इज डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। और डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 एक्सपेक्ट होते हैं, यानी कि 2-fold एक्सपेक्ट की बात करता है। जैसे अगर आप 10,000 रुपीज को रॉ मटेरियल के रूप में खर्च किया, रॉ मटेरियल के लिए, तो कहते हैं कि देखिए भैया, एक तो कैश इफेक्ट हुआ, एक आपका रॉ मटेरियल इफेक्ट हुआ। आप कैश तो आपके यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा, कहाँ जा रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, लेकिन बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है। यानी कि दोनों, एक एक्सपेक्ट डेबिट का और एक एक्सपेक्ट क्रेडिट का इफेक्ट हुए। तो ये कहता है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट कम से कम कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, यानी कि 2-fold इफेक्ट की बात ये करता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट इज रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस समय आपकी रिवेन्यू जनरेट हुई, चाहे वो आप उसे रिसीव कर पाए हो या नहीं,
आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसको लिखोगे। यानी कि हमारे पास दो तरह के, दो बेसिस से हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, एक कैश बेसिस और एक एक्रूवल बेसिस। तो ये दोनों बेसिस में, कैश बेसिस तो कहता है कि भैया जब पैसा आ जाएगा तो हम लिखेंगे, एक्रूवल बेसिस में यानी क्रेडिट पे कोई बात हो जाती है तो उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में हम नहीं लिखेंगे। लेकिन रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि आपको कैश प्लस एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करने हैं। यानी कि कैश आया तो ठीक है, नहीं आया, सपोज़ कीजिए अगर आपने अपने डेप्टर को कुछ उधार दे दिया, लेकिन जिस डेट में आपने गुड्स को सेल किया है उस डेट में उसे आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखने हैं, ये कंसेप्ट बोलता है, तब जाके आप रियल इनकम या प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब रिवेन्यू जिस समय जनरेट होता है या फिर जिस समय जो भी एक्सपेंस इनकॉर होते हैं उसको उसी समय आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिखने हैं। देन नेक्स्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल जैसा कि नाम बता रहा है, मैच कराना होता है, मैच मतलब कंपेरिजन कराना होता है किसके किसके बीच में, रिवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में, तब जाके आप ये कैलकुलेट कर पाओगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और पिछले साल दिसंबर में, चूँकि मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ था, ऐसे मेरा नेट क्वालिफाई है लेकिन मैं जेआरएफ के लिए देते रहता हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आया था कि प्रॉफिट इज़ द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल इन अकाउंटेंसी। तो प्रॉफिट किसका रिजल्ट होता है भाई, मैचिंग प्रिंसिपल का रिजल्ट होता है। यानी कि प्रॉफिट आया, इस प्रिंसिपल ने ही प्रॉफिट को डिराइव किया। अगर रिवेन्यू एक्सपेंस का आप कंपेरिजन करते हो, अगर रिवेन्यू ज़्यादा होता है तो उस समय प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा होता है उस समय लॉस होगा। यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल इज क्लियर, आपको मैच कराने होते हैं रिवेन्यू और एक्सपेंस में। देन आवर नाइन्थ प्रिंसिपल इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलते हैं भैया, फुल का मतलब होता है पूरा, डिस्क्लोज का मतलब होता आप दिखाओ, आप कुछ भी ना छुपाओ। जितने भी आपके बुक ऑफ अकाउंट हैं जो आपने मेंटेन किया है थ्रू आउट द ईयर, यू हैव टू शो दैट बुक ऑफ अकाउंट टू इंटरेस्टेड पार्टीज। यानी कि आपको छुपाने की बात नहीं की जा रही, आपको पूरा दिखाना होता है। आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में किसी कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पब्लिश होता है, क्यों होता है कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जैसे इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट हैं और डिफरेंट पार्टीज़ भी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग हमारे बुक ऑफ अकाउंट को देख लें क्योंकि हम उसे डिस्क्लोज करते हैं। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है यू हैव टू डिस्क्लोज, यू हैव टू फुल डिस्क्लोज ऑफ योर बुक ऑफ अकाउंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। देन कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, टेंथ वन इज कंसिस्टेंसी। यानी कि जो कुछ भी मैटर आपने ऑप्ट कर रखा है अपने बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, आपको उसमें कंसिस्टेंसी लाना होगा। कैसे, जैसे आप जानते हो एक सिंपल सा एग्जांपल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल है, लेकिन हम एक मेथड को चुनते हैं, सपोज कि हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड को ऑप्ट करोगे, दूसरे साल रिटेन डाउन मेथड को ऑप्ट करोगे, तीसरे साल एनयूटी मेथड को ऑप्ट करोगे। यानी कि आप जब एक बार इसे चुन लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को, तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी होती है और इसको लगातार इसी मेथड को ऑप्ट करके रखना होता है। बार बार चेंज करने से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इफेक्ट होते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने जो मेथड ऑप्ट कर लिया फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप चेंज करते हो उसके लिए आपको प्रॉपर अपना एस्टिमेशन बना लेना होता है कि हमने कब कहाँ पे कौन सा मेथड ऑप्ट किया है और कौन सा मेथड कब कहाँ पे चेंज किया हुआ है। जब क्योंकि आप सामने वालों को ये दिखा सको ना कि इस साल से हमने ये मेथड को चेंज कर दिया, तो वहाँ पे हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इज और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इज क्लियर। देन कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि आप प्लेइंग सेफ की बात करता है, कि अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें कोई नुकसान ना हो, आप प्लेइंग सेफ की बात करते हो, आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोविज़न की बात करते हो, आप डिफरेंट टाइप के रिजर्व की बात करते हो, तो आप प्रूडेंस कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हो। यानी कि आप फ्यूचर में चाहते ही नहीं हो कि हमारा जो भी नुकसान हो तो हम क्या करें, उस नुकसान के बदले हम प्रोविजन्स बना लें।
उस जो हम अब भविष्य में जो पता भी नहीं है वो कि हमारा नुकसान होने वाला है, फिर भी हम कुछ रिजर्व बना के चले। तो ये प्रोविजन और रिजर्व होते हैं। अब प्रोविजन और रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कई तरह के प्रोविजन आते हैं और रिजर्व आते हैं। जैसे रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, जितने तरह के हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं ये इसी प्रिंसिपल के हिसाब से मेंटेन होता है, क्योंकि ये फ्यूचर में प्लेइंग सेफ की बात करता है। देन नेक्स्ट इज मैटेरियलिटी कंसेप्ट। अब यहाँ बात आती है मैटेरियलिटी कंसेप्ट की। तो मैटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि भाई देखो, जो मैटेरियल इंफॉर्मेशन है वो आपको छुपा के रखना है, वो किसी को नहीं दिखाना है। जैसे आपका जो टेक्निक है, आपका जो मैटेरियल इंफॉर्मेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसे आपको किसी को नहीं बताना है। अगर बता दोगे तो लोग उसे कॉपी करके उसका मिसयूज करेंगे तुम्हारे प्रति। आपका ही अच्छी चीज़ है, आपके प्रति मिसयूज होगा और लोग आपको फेल करने का उपाय खोजेंगे उस मैटेरियल इंफॉर्मेशन से। देखो एक और कहता था कि आप पूरा दिखाओ, फुल डिस्क्लोजर की बात बोलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और एक और कहता है कि आप मटेरियल इंफॉर्मेशन को किसी को ना बताओ, यानी कि आपको ये डिसाइड करना है कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो भी मटेरियल है आपके लिए आप उसे छुपा लो और जो इमटेरियल है उसे आप दिखा दो। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलता है कि आप पर्सनल ब्यास्ट ना हो के अपने अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे। कैसे? कभी कभी क्या होता है, अकाउंटेंट या बिजनेसमैन अपने बुक ऑफ अकाउंट को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में आए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तभी आएगा ना जब हमारे बैलेंस शीट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा देखने के लिए। तो हम उसमें पर्सनली ब्यास्ट होकर अपने बुक ऑफ अकाउंट पे सो ऐसा करते हैं कि हमारा बुक ऑफ अकाउंट, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि ये कंसेप्ट बोलता है कि बिल्कुल नहीं। आपको जो कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी है अपने बुक ऑफ अकाउंट में, वो रिकॉर्डिंग किसके द्वारा बैकअप हो? सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा। यानी कि अगर आप एक रुपये का खर्च करते हो तो आपको उस एक रुपये का हिसाब देना होगा, यानी कैश मेमो, बिल्स रिसीवेबल, मतलब जो कुछ भी होता है जो हमारे सामने आ रहा है वो सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मतलब एविडेंस ऑफ योर ट्रांजेक्शन, आप जो कुछ भी रिकॉर्डिंग करोगे आप उसका एविडेंस अपने बुक ऑफ अकाउंट में लगाओगे, ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलता है। यहाँ पे हम लोग 13 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, 13 प्रिंसिपल, जो कि अकाउंटिंग एजम्पशन भी है, अकाउंटिंग कन्वेंशन भी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है। अकाउंटिंग एजम्पशन में कुछ कुछ बातें होती हैं, अगर आप प्रिंसिपल पढ़ लिए तो मतलब सारा चीज़ आपका कवर हो गया इसमें।